आज की वीडियो में कुछ हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के जो आपको आने ही आने चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये इंग्लिश का बेस है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें डाउट होता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, दैट इज कि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। मैं बहुत स्टूडेंट्स से मिलती हूँ, मैंने उनसे पूछती हूँ कि बेटा बताओ व्हाट इज अ सब्जेक्ट। जनरली आंसर्स जो मुझे मिलते हैं कि मैम सब्जेक्ट डूअर होता है, मैम सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। बट ना ही सब्जेक्ट डूअर होता है, कर्ता होता है, ना ही सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में आता है। हो सकता है कि किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर हो सकता है कि किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता हो, बट सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट इज दैट वी टॉक ऑफ। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट इज दैट वी टॉक ऑफ। अब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो सकता है कि वो डूअर हो सकता है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता हो, बट हो सकता है कि सेंटेंस के कहीं बीच में आता हो सकता है कि डूअर ना हो। सब्जेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है कि सब्जेक्ट उस चीज़ का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं एक लेटर लिख रही हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इस सेंटेंस में मैं इस लेटर के बारे में बात कर रही हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है। जबकि यहाँ पे डूअर या काम करने वाला कौन था? मैं थी। लेकिन वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डूअर सब्जेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स विच रिमेन क्लोज्ड। अब क्या कोई स्टूडेंट मुझे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बता सकता है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ। इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? टू शॉप्स। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हम उन शॉप्स की बात कर रहे हैं, वो शॉप्स बंद रहती हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो टू शॉप्स है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा टू शॉप्स है। क्या इतना सभी को समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा वर्ड जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर वर्ब अपना एक्शन करती है। क्रिया जिस चीज़ के ऊपर काम कर रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स वर्ब एक्ट्स ऑन इट। क्रिया अपना, वर्ब अपना जिसके ऊपर काम कर रही है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है। क्यों अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है? क्योंकि सिंग, क्या सिंग किया गया? सॉन्ग गाया गया। सिंग ने अपना काम किसके ऊपर किया? सिंग ने अपना काम सॉन्ग के ऊपर किया। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा जो बहुत जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू आगरा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चों देखो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आई है, लेकिन
लेकिन इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो टू आगरा है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है नहीं होता है? बहुत सिंपल सी एक चीज़, सेंटेंस से तीन क्वेश्चंस पूछो। कौन कौन से तीन क्वेश्चंस? या तो व्हाट पूछो, या हु पूछो, या होम पूछो। सेंटेंस से इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछो, या तीनों के तीनों ही पूछो, और वो वर्ड जो इन तीनों में से किसी का भी आपको आंसर दे दे, वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। आई सिंग व्हाट, मैंने क्या गाया, आंसर मिला अ सॉन्ग। कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला? व्हाट का। जैसे ही मुझे व्हाट का आंसर मिला, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने अगले सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा, आई वेंट व्हाट, मैं क्या गई, कोई मीनिंग ही नहीं बना। आई वेंट हु, मैं कौन गई। आई वेंट हूम, मैं किसको गई, कुछ भी मीनिंग नहीं बना। मतलब ये जो टू आगरा है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ग्रामर को समझने से पहले या बहुत सारे कंसेप्ट को करने से पहले, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने से पहले, मुझे ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये ग्रामर की एक बेस है, एक फाउंडेशन है जो हर स्टूडेंट का क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई सैंग एट द पार्टी, क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? मैंने सेंटेंस लिखा आई सैंग एट द पार्टी, क्या इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट है? नहीं है। पूछो क्वेश्चन, आई सैंग व्हाट, मिला आंसर? नहीं। आई सैंग हू, मिला आंसर? नहीं। आई सैंग होम, मिला आंसर? नहीं। क्योंकि मुझे इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा आपको इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट की और बात करते हैं सेंटेंस की, दैट इज वर्ब। हमारी वर्ब क्या होती है? जनरली हम वर्ब को बोलते हैं डूइंग वर्ड। ऐसा कोई भी शब्द जो मुझे दिखाता है कि क्या काम हो रहा है, उस वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जो मुझे दिखाता है कि मैं क्या हूँ, मैंने बोला आई एम अ टीचर, उसमें वर्ब क्या थी, एम एक वर्ब थी। मैंने सेंटेंस लिखा ही सैंग अ सॉन्ग, उसने क्या किया, गाना गाया। तो ये सैंग क्या है यहाँ पे, वर्ब। मैंने एक और सेंटेंस लिखा ही सैंग एट द पार्टी, उसने पार्टी में गाना गाया या उसने पार्टी में गाया, ये क्या है, वर्ब। दोनों ही यहाँ पे वर्ब है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो अ सॉन्ग था ये ऑब्जेक्ट था, जबकि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, याद है? अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो अ सॉन्ग है ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप सभी को ये चीज़ याद है। नाउ, जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो सैंग है इस सेंटेंस में, ये सैंग कौन सी वर्ब है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उस वर्ब को हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे सैंग ट्रांजिटिव है क्योंकि अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सैंग इनट्रांजिटिव है क्योंकि ये एट द पार्टी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस वीडियो में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। क्या क्या तीन चीज़ें पढ़ी? सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और वर्ब के अंदर भी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस निकालती रहूँगी जिससे कि स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, और कमेंट ज़रूर करना अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।